भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा या देखा भी होगा, कई शास्त्रों में लिखा गया है। पुराणों के हिसाब के अनुसार यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा धरती पर, जब धरती पर सभी पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे और चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा या बोलबाला होगा अधर्म का। तब इस सृष्टि की पुनः उद्धार करने के लिए या फिर धर्म की रक्षा करने के लिए पुनः इस धरती पर भगवान विष्णु अवतार लेंगे और इस धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कलयुग के 6 लक्षण, जिसे देखकर आप कलयुग का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ज्ञानवीर रतन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही पौराणिक जानकारी आपको मिलती रहे। कलयुग के अंत की पूरी जानकारी श्रीमद् भागवत में मिलती है, जिसमें कलयुग के लक्षणों के बारे में बताया गया है। साथ ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की जानकारी भी इस शास्त्र में मिलती है। साथ ही कलयुग का किस दिन इसका अंत होगा, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग का अंत होने से पहले दिखाई देने वाले लक्षणों में प्रथम लक्षण होगा, सभी लोग भूख प्यास और अलग अलग तरह की चिंताओं से घिरे रहेंगे। उनके शरीर को कई तरह की बीमारियां घेर लेगी। इसके साथ ही उनकी उम्र केवल और केवल 20 वर्ष रह जाएगी। दूसरा संकेत, धरती पर से सभी नदियां सूख जाएगी, साथ ही पानी समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, अकाल के कारण सभी वनस्पतियां और पेड़ पौधे सूखकर नष्ट हो जाएंगे। तीसरा संकेत, पति और पत्नी का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, साथ ही पति विवाहित होने पर भी दूसरे लोगों के साथ रिश्तों में पड़ जाएगा। इसके साथ ही रिश्तों की कोई सीमा नहीं रहेगी, भाई बहन ही शादी करने लगेंगे, बिना शादी के ही बच्चे पैदा होना चालू हो जाएगा। चौथा संकेत, तीर्थ स्थलों में धर्म का बोलबाला नहीं होगा, जबकि उसकी जगह पर अधर्म और अपवित्रता का बोलबाला होगा। पूजा पाठ की जगह अनाचार होने लगेंगे। मंदिर केवल धन कमाने और धन अर्जित करने का एक साधन बनकर रह जाएगा। पांचवा संकेत बताया गया है, लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या करना शुरू कर देंगे, मनुष्य की कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी, हर तरफ चोरी चकारी और झूठ फरेब ज्यादा रहेगा। हर मनुष्य संपत्ति कमाने के पीछे इतना पागल हो जाएगा कि उसको धन के सिवा सृष्टि में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। साथ ही सभी मनुष्य वासना में ज्यादा रुचि लेने लग जाएंगे। छठा संकेत और अंतिम संकेत, हर तरफ धर्म की जगह अधर्म की पूजा होगी, धर्म को मानने वाला कोई नहीं रहेगा, सभी लोग नास्तिक हो जाएंगे, साथ ही हर मनुष्य मांस मदिरा में अधिक रुचि लेगा। कलयुग का अंत आते आते ये सभी कारण अधिक बड़े होते जाएंगे। वैसे कलयुग के अंत में अभी बहुत समय शेष है, क्योंकि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई है। लेकिन कलयुग के अंत के समय में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आकर पुनः धरती पर प्रकट होगा, जिसे परशुराम जी शिक्षा देंगे और वो देवव्रत नाम के घोड़े पर सवार होकर समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और पुनः इस धरती पर सतयुग का आगमन करेंगे, यानी कि धर्म की स्थापना करेंगे, जिसे हम सभी लोग सतयुग कहेंगे। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।